अगर इन सारी बातों को अगर हम कॉपी मान के चले तो अगर मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को जैसे ही अपन की स्टार्ट होती है तो मैं वीडियो में बोलता हूँ चलिए शुरू करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई मैंने गुरुजी की कॉपी कर ली, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में गुरुजी ने खुद कहा है भाई कि वीडियो को जो जो गाना है वो बहुत अच्छा लगा गुरुजी को, अगर उनको कोई शिकायत होती तो जरूर बोलते कि तुमने मेरा कॉपी किया, कुछ नहीं भाई गुरुजी को गाना अच्छा लगा, तो गाना भाई बिल्कुल कॉपी नहीं है। और इतने न्यूज़ हटा के अगर अपन सिर्फ अब आगे मैं एक आध और न्यूज़ के बारे में बात करूँ कि क्या चल रहा है, न्यूज़ बता ही रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी भाई, जो बंदा दूसरों की कॉपी कर रहा है वो दूसरों को ब्लेम कर रहा है भाई तुमने मेरी कॉपी की। मैं कैरेक्टर प्ले किया था मोदी जी से मिलता जुलता, वो सिर्फ एक कॉमेडी बेसिस पर था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था उस कैरेक्टर से। हम ये जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं, आपको मनोरंजन हो इसलिए बनाते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और जाने अनजाने में वो कैरेक्टर में थोड़ी गालियां ज़्यादा हो गई जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो गए, और उन लोगों ने जो ऑफेंड हुए कुछ FIR फाइल कर दी, तो वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ी। तो जो अपना राउंड टू हेल का जो नया वीडियो आया था भाई वो बहुत ओपी वीडियो था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें जो मोदी जी का जो कैरेक्टर था उस वजह से उनको अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा, अभी वीडियो नहीं मिलेगा आपको, डिलीट हो चुका है। और उसके रिस्पांस में उन्होंने यही कहा है कि जो मोदी जी का कैरेक्टर था उसमें ज़्यादा गालियाँ होने की वजह से हमें वो वीडियो को डिलीट करना पड़ा, उन पर FIR हुई थी, FIR की वजह से उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। और अभी जो सुशांत सिंह की जो सुसाइड हो गई है, डेथ हो गई है, उसके लिए हम सबको भाई बहुत अफसोस है, हम अपन को नहीं पता भाई, मैं अभी भी शौक था कि भाई कैसे, मतलब मैंने जब न्यूज़ देखा परसों शायद ये न्यूज़ आई थी, मैं देखा और एक टिकटॉकर इसका मजाक टाइप का उड़ा रहा था, तो उस पर बहुत आजकल न्यूज़ चल रही है, ट्रेंड पे चल रहा है, और यही अभी ट्रेंड पे सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि सुशांत सिंह की डेथ हो गई है। और भाई मैं कहूँगा कि देखो हार नहीं माननी चाहिए अपन को, थोड़ी सी डिप्रेशन होता है तो उसका अपन को किसी से बात कर लेना चाहिए,
या अपनी बातें अगर शेयर करेंगे दूसरों से तो डिप्रेशन नहीं होता है। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका है ना, तो ये कहूँगा यार, मतलब कुछ भी करो यार, लेकिन ऐसा कुछ मत करो यार, किसी को भाई कभी बुरा मत बोलो। अगर किसी को बुरा बोलने से भाई ख़राब लगता है तो यार आपकी गलती है। तो वीडियो में बस यही था। और सुनो सुनो, एक चीज़ है कि जो अभी ये वीडियो बन रहा है, इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला था, वीडियो कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाया, तो अगला वीडियो में ज़रूर बता दूंगा वीडियो कैसे बनाते हैं। और फिर से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, और गाइडलाइंस के रिलेटेड, कॉपीराइट, और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के नीचे सारे क्वेश्चंस लिख दो अपने। वीडियो कैसे बनाते हैं, कैमरा कहाँ रखना है, ट्राईपॉड कैसा होगा, ट्राईपॉड पे रखें या नहीं, या डंडा लगा के रखें, क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे पूछ लेना। अगली वीडियो में सारे क्वेश्चंस का सॉल्व कर दूंगा। चलिए तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।